हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। देखो ये टॉपिक इस नाम से भी है और एक और नाम से आपको मिल जाएगा, ये थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स है, ठीक है। तो देखो इसमें एक्सप्रेशन हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ का, मतलब फ्रिंज की जो विड्थ है वो कितनी है, ठीक है। जैसे आपने यंग डबल स्लिट में पढ़ा था, वहाँ पर क्या बनी थी, फ्रिंजेस बनी थी। जैसे हमारे पास आई थी डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से हमने की थी, ठीक है। तो इस तरीके से थी ना वो फ्रिंजेस, इस तरीके से बनी थी, ठीक है। तो इनकी विड्थ कितनी है ये हमसे बात कर रहा है वो, ठीक है। तो देखो जैसे यंग डबल स्लिट में हमने किया था वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ पर डबल स्लिट थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डबल स्लिट बना लेते हैं एक ए एंड बी वाली, ठीक है, इस तरीके से, इस पोजीशन पे यहाँ पर, और ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास स्लिट हो गई ए और बी, इसको नाम देते हैं हम ए और इस वाली को देते हैं बी। और यहाँ पर स्क्रीन लगाएंगे एक, ठीक है, जिस पर वो फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया, एक स्क्रीन लगा दी। कितनी बात क्लियर है, ठीक है, इस स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनेंगी। अब यहाँ पर देखो ये जैसे ए था हमारे पास पॉइंट, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पर हम, ठीक है। इसको नाम देते हैं स्क्रीन को, ये एल और ये वाली एम, ठीक है। यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ए ई, ए ई परपेंडिकुलर डाल दिया एल एम पर। और ये ए और बी स्लिट जो थी हमारे पास, इसका सेंटर जो है वो है ओ, तो सेंटर से भी एक आपने ये परपेंडिकुलर डाल दिया इस स्क्रीन एल एम पर, जिसको हमने बोल दिया सी। और यहाँ बी से भी एक रेफरेंस लाइन, जिसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, बी एफ बोल देंगे इसको, जो कि परपेंडिकुलर है एल एम पर। क्लियर है इतनी बार, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर ए और बी जो ये स्लिट थी, इनके बीच की जो दूरी है ये कितनी है, स्मॉल डी, ठीक है। अगर ये स्मॉल डी है और ये ए और बी का सेंटर ओ है, तो ये ऑब्वियसली बात है हाफ हाफ हो जाएगी। ए बी अगर डी है तो ए ओ कितनी हो जाएगी बताओ, डी बाई टू हो जाएगी। और ये वाली भी कितनी हो जाएगी आपके पास, डी बाई टू। ओ बी भी कितनी हो जाएगी, डी बाई टू हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है। अगर हम ओ ए डी बाई टू कह रहे हैं तो ई सी भी कितनी हो जाएगी, डी बाई टू हो जाएगी। और ये ओ बी अगर डी बाई टू है तो ऑब्वियसली बात है ये सी एफ भी क्या हो जाएगी, डी बाई टू हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर। अब ये जो स्लिट्स हैं और ये जो स्क्रीन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हम कह देते हैं यहाँ पर, ये कितना है, कैपिटल डी है। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ये पी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखना आप जरा, ये लाइट आपके पास यहाँ इंटरफेयर कर रही है, एक ए से आई इस तरीके से और एक यहाँ से बी से आ जाएगी इसके पास। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। अब देखो इन दोनों जो स्लिट्स हैं, ये जो दो स्लिट्स हैं, यहाँ से जो ये लाइट आपके पास गई है, इनका पाथ डिफरेंस देखो जरा कितना होगा। देखो ए पी इस ए स्लिट से जो लाइट गई है उसका पाथ लेंथ है, और ये बी पी क्या है, जो बी से गई है उसकी पाथ लेंथ है। तो इनके पाथ का डिफरेंस कितना है, देखो ए पी देखने में छोटा लग रहा है और बी पी बड़ा लग रहा है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका, बी पी माइनस में ए पी। क्लियर है। और ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो ये फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती हैं, इनकी ब्राइट और डार्कनेस, इनके पाथ डिफरेंस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे लाइट इंटरफेयर करके सी पॉइंट पे भी आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो है। देख लो अब ए से सी पे लाइट आए और बी से सी पे जाए, तो इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा, जीरो। क्यों, ए सी सेम होगी आपके पास बी सी के साथ, ठीक है, मतलब ये जो सी पॉइंट है इनकी दूरी सेम है इस ए से भी और बी से भी, तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो है। तो यहाँ पर आपके पास जो फ्रिंज है वो कैसी बनेगी, ब्राइट बनेगी। कैसी होगी, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होगी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। अभी समझ में आ जाएगा कि आपको ये मैं चीज़ क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बस इतनी बात समझो, ये पॉइंट पी में हमने कंसीडर किया, यहाँ से ये लाइट वेव्स आई और इनका जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, बी पी माइनस में ए पी होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और इस पी पॉइंट की दूरी सी से हम कितनी कंसीडर कर लेते हैं, एक्स कंसीडर कर लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, देखो यही बातें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं हमने। देखो जरा क्या कह रहा है, ए एंड बी आर द टू कोहेरेंट सोर्सेज एट डिस्टेंस डी। ए और बी क्या है, दो कोहेरेंट सोर्स हो गए, कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल डी पर। और स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, एक स्क्रीन प्लेस कर दी हमने कितने डिस्टेंस पर, कैपिटल डी डिस्टेंस पर। एंड ओ इज द सेंटर बिटवीन द स्लिट्स ए एंड बी, ओ क्या है, सेंटर है ए और बी की स्लिट का। एंड उसके बाद कहता है लेट अस चूज एनी वन पॉइंट पी एट हाइट एक्स, तो हमने किसी भी हाइट एक्स पर एक पॉइंट पी चूज कर लिया यहाँ पर। तो जो पाथ लेंथ है दो सोर्सेज की वो कितनी हो गई यहाँ पर, ए पी और बी पी, ये देख लो ए पी और यहाँ से ये बी पी हो गई पाथ लेंथ। तो इनका जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, देखो यहाँ से हम बात करते हैं, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया, अभी बी पी माइनस में ए पी हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से बी पी और ए पी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो बी पी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करूँ बी पी एफ वाला, ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ, देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी पी एफ में पाइथागोरस लगाओ जरा। देखो यहाँ पर ये क्या है, इसकी हाइपोटनिस है, दैट इज़ बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपके पास बी एफ का स्क्वायर प्लस में पी एफ का स्क्वायर, समझ गए हो।
ये हाइपोटनिस बीपी का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर बी एफ स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर पी एफ का स्क्वायर है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। यहाँ से देखो आप बी पी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, इधर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगी ये, तो ये बन जाएगा बी एफ का स्क्वायर प्लस में पी एफ का स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया इसके स्क्वायर रूट आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ से बी एफ की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से बी एफ ये वाली कितनी है वैल्यू इसकी, डी है तो यहाँ तो हम वैल्यू रख देंगे डी, क्लियर। प्लस में पी एफ देखो ये वाला पी एफ है, यहाँ से देखो पी एफ को मैं थोड़ा ब्रेक कर सकता हूँ क्या, पी सी प्लस में सी एफ, इससे क्या होगा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, पी सी की एक्स है और सी एफ की डी बाई टू है, तो मैं पी एफ को ऐसे लिख सकता हूँ ना पी सी प्लस में सी एफ का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, डी का स्क्वायर प्लस में पी सी कितना है हमारे पास एक्स प्लस में सी एफ कितना है डी बाई टू इसका स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, क्लियर। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या मैं स्क्वायर रूट को 1 बाई टू से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाकर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना डी का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में डी बाई टू का स्क्वायर और इस पूरे की पावर कितनी 1 बाई टू लिख दूँ, स्क्वायर रूट हटा के हम लिख सकते हैं 1 बाई टू। कितनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या इसमें से हम डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, देखो डी स्क्वायर कैसे कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या अंदर 1 प्लस में एक्स प्लस में डी बाई टू इसका स्क्वायर और यहाँ नीचे भी क्या आ जाएगा डी स्क्वायर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, और इसकी पावर 1 बाई टू। देखो ये चीज़ कैसे होती है, देखो समझो इस बात को, देखो डी स्क्वायर यहाँ तो था, यहाँ डी स्क्वायर नहीं था, तो हमने क्या किया डी स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड भी कर दिया, ऐसे समझो। तो जब डी स्क्वायर कॉमन लिया हमने बाहर, तो डी स्क्वायर यहाँ से बाहर आया तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ आपको डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने अगर, तो डी स्क्वायर एक तो बाहर चला गया तो नीचे वाला डी स्क्वायर बचा ना, ठीक है। इस तरीके से ये करते हैं, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब हम नॉर्मल डी स्क्वायर ऐसे बाहर ले लिया और यहाँ 1 बचा तो यहाँ पर तो नहीं है डी स्क्वायर, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और ये मैंने आपको बताया डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया और डिवाइड वाला नीचे रह जाता है। इस तरीके से हमने इसको समझना है। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो जो नीचे इक्वेशन आई थी वो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, देखो ये बनी थी आपके पास डी का स्क्वायर प्लस में, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ आया था 1 प्लस में एक्स प्लस में डी बाई टू का स्क्वायर और नीचे आया था आपके पास डी का स्क्वायर, इस तरीके से बनी थी ये इक्वेशन, ठीक है, और इसकी पावर 1 बाई टू। देखो तो यहाँ से देखो ये डी स्क्वायर है ना आपके पास, ठीक है, और इधर है पावर 1 बाई टू, ठीक है, तो डी स्क्वायर की पावर 1 बाई टू, टू से टू कर दिया डी बचा सिर्फ, या फिर डी स्क्वायर की पावर 1 बाई टू को मैं रूट भी लिख सकता हूँ, रूट से स्क्वायर कट जाते हैं तो यहाँ पर सिंगल डी रह गया, ठीक है, तो ये डी तो हमने ले लिया बाहर दी, ठीक है। अब बचा अंदर वाली कहानी, तो देखो अंदर क्या है 1 प्लस में एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और नीचे डी स्क्वायर, इसको कंबाइन करके लिख दूँ इस तरीके से एक्स प्लस में डी बाई टू और नीचे क्या है हमारे पास ये है डी, ठीक है, कंबाइन करके इसका मैंने ये स्क्वायर लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, और इस पूरे की पावर क्या है 1 बाई टू है, बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा ये एक बाइनोमियल बन रही है अंदर 1 प्लस में एक्स की पावर कितनी एन, समझते हो ये चीज़ क्या है। देखो ये पूरी टर्म कितनी मान ली हमने एक्स मान ली, ठीक है, जैसे मैं आपको बाइनोमियल बताऊँ बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होती है वो होती है 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो इसको लिखते हैं हम 1 प्लस में एन एक्स एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये 1 है प्लस में ये पूरी टर्म क्या हो गई एक्स और इसकी पावर कितनी है एन है, तो इसको हम एक्सपेंड कर दें, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाइनोमियल। तो देखो जरा ये BP की वैल्यू चल रही थी हमारे पास, BP इक्वल टू आ जाएगा D 1 प्लस एक्स ये पूरा है और ये N है, तो इसको लिखा हमने 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस में N, N क्या है 1 बाई टू, तो 1 बाई टू आ गया और X है साथ में, फिर ये X वाली ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, X प्लस में D बाई टू अपॉन में D और इसका स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया बाइनोमियल को एक्सपेंड किया, ये चीज़ समझनी आपको, ये पूरा X है अगर यहाँ से कंपेयर करो, ये 1 प्लस में ये पूरा X हो गया टर्म और ये पावर n है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंड होती है 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है 1 बाई टू और x है ये पूरी टर्म, तो ये हमने यहाँ पर रख दी। क्या इतनी बात क्लियर है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे जो कि हमारा bp आया है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे ap निकाल लेंगे, तो देखो ap यहाँ से देखो जरा ap अगर हम ये चाहते हैं तो कौन सा ट्रेंगल कंसिडर होगा ape वाला ट्रेंगल, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ई की बात कर लेते हैं, ए पी ई में लगाओ जरा पाइथागोरस, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए ई का स्क्वायर प्लस में पी ई का स्क्वायर, तो यहाँ से भी देखो ए पी कितना आ जाएगा आपको, ये पता चल रहा है ना ए पी क्या हो गई हाइपोटनिस,
ए ई बेस हो गया और पी ई परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये पता ही आपको, पाइथागोरस ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ से देखो जरा, ए ई का स्क्वायर और पी ई का स्क्वायर, और यहाँ से ए पी मैं निकाल रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है यहाँ स्क्वायर रूट कर दूंगा, ये आ जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस में पी ई का स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है? अब देखो जरा यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ए ई जो है यहाँ पर, ए ई किसके बराबर है, डी के बराबर है, ठीक है, तो ये डी का स्क्वायर हो गया प्लस में पी ई की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं पी सी माइनस में ई सी, पी ई को मैं लिख सकता हूँ ना पी सी माइनस में ई सी, तो पी ई बचेगा, तो यहाँ देखो इस तरीके से लिख देंगे हम पी सी माइनस में ई सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये क्या था, डी का स्क्वायर प्लस में पी सी कितना है हमारे पास, एक्स है, और ई सी है हमारे पास डी बाई टू इसका स्क्वायर, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है जैसे हमने अभी बी पी की वैल्यू निकाल दी थी, बस वहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कितनी बात क्लियर है? अब देखो ज़रा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई आपके पास, ठीक, इसको मैं ऐसे लिख दूँ डी का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी, 1/2, बताओ जी आ रहा है समझ में या नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, इसमें डी स्क्वायर कॉमन लो, अगर डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर प्लस एक्स माइनस में डी बाई टू इसका स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा, अगर डी स्क्वायर हमने बाहर लिया है तो नीचे यहाँ अपॉन में आ जाएगा, ये बात समझते हो आप सब, ठीक है, और इसकी पावर 1/2 आ गई, ठीक है, यही सब किया है हमने बीपी में भी। अब देखो यहाँ से डी स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो यहाँ सिंपल डी रह गया और अंदर क्या बचा अब हमारे पास, ये 1 प्लस में एक्स माइनस में डी बाई टू और ये हो गया इसका स्क्वायर और नीचे आ गया आपके पास डी का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 इस तरीके से। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस में ये स्क्वायर स्क्वायर है दोनों में, तो मैं इसको कंबाइन करके लिख दूँ एक्स माइनस डी बाई टू अपॉन में डी और इस पूरे का स्क्वायर और पावर कितनी 1/2। तो यहाँ पर भी देखो बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे देखो एक्सपेंडिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर आपको पास हो 1 प्लस एक्स की पावर एन तो ये होता है 1 प्लस में एन एक्स एंड सो ऑन, तो हमें यही टर्म चाहिए, ज़्यादा हायर वैल्यूज़ नहीं हम लेकर चलेंगे, क्लियर है। तो देखो ज़रा यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा ये डी और 1 प्लस में एन, एन कितना है 1/2 और एक्स ये है हमारे पास, दैट इज़ एक्स माइनस डी बाई टू बाई डी और इसका स्क्वायर, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो इसी तरीके से हमारे पास ये बी पी आया था और इसी तरीके से ये हमारे पास अब ए पी आ गया, ठीक है, इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये फर्स्ट थी इक्वेशन हमारे पास बी पी माइनस ए पी, तो ये सेकंड और थर्ड फर्स्ट में पुट कर देंगे, बी पी की भी वैल्यू और ए पी की भी वैल्यू, ये हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं ज़रा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, क्लियर। तो ये पाथ डिफरेंस था हमारे पास, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऐसी लिखी थी हमने, पाथ डिफरेंस इक्वल टू में क्या लिखा था बी पी माइनस में ए पी, तो जो बी पी की वैल्यू आई है वो आई है आपके पास डी, देख लेना आप, 1 प्लस में 1/2 एक्स प्लस में डी बाई टू अपॉन में डी इसका स्क्वायर, ठीक है, और ए पी की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस करेंगे ना, ठीक है, बी पी माइनस ए पी था ना, तो ए पी की वैल्यू आई है डी 1 प्लस में 1/2 एक्स माइनस डी बाई टू अपॉन में डी इसका स्क्वायर, ये आई है वैल्यू, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं जरा हम, देखो जरा, देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब इसमें डी कॉमन लो लो यहाँ से, देखो जरा ये डी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो 1 प्लस में 1/2 एक्स प्लस में डी बाई टू अपॉन में डी इसका स्क्वायर माइनस डी बाहर चला गया, ठीक है, और ये देखो माइनस है यहाँ पे, तो ये वाला 1 और ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस में डी बाई टू अपॉन में डी इसका स्क्वायर इस तरीके से। देखो डी बाहर ले लिया था ना हमने ये वाला, ठीक है, तो डी बाहर चला गया और ये माइनस जब ओपन किया इस ब्रैकेट में तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस वाला क्या हो जाएगा आपके पास साइन माइनस का बन जाएगा, ठीक है। देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1, तो अंदर बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, देखो डी और ये बच गया हमारे पास 1/2। अब देखो ये एक्स प्लस में डी बाई टू का स्क्वायर है और नीचे क्या है डी का स्क्वायर है, और यहाँ माइनस में 1/2, यहाँ देखो एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर है ऊपर और नीचे हम अलग से लिख सकते हैं डी का स्क्वायर, कितनी बात क्लियर है। अब देखो ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ से देखो नीचे से डी स्क्वायर कम होना जाएगा और ये 1/2 भी बाहर चला जाएगा, तो देखो 1/2 बाहर चला गया, ये वाला डी पहले से ही था, ये वाला डी स्क्वायर नीचे से बाहर आ गया, तो बचा क्या अंदर, देखो एक्स प्लस में डी बाई टू का स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ये बचा है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ d से ये d कैंसिल हो गया है, तो नीचे कितना बच गया है आपके पास 1/2 d, और इनमें ज़रा लगा दो ज़रा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगाओ ज़रा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर
प्लस में 2ab, 2 इंटू में एक्स इंटू में डी बाई 2 माइनस में, फिर यहाँ लगा दो जरा आप फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस में 2a इंटू में बी, ऐसे ही लगेगा। समझते हो ये चीज़ें या नहीं बताओ? ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2d तो ये है और ये एक्स स्क्वायर बन गया प्लस में डी का स्क्वायर और ये 4 आ जाएगा प्लस में 2 से 2 कट गया, ये एक्स डी माइनस में एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस चेंज हो जाएगा, साइन माइनस का बन जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ये डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ये माइनस वाला साइन प्लस का बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये एक्स डी आ जाएगा। यहाँ पर देखो ज़रा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये डी स्क्वायर बाय 4 डी स्क्वायर बाय 4 से कैंसिल, एक्स डी कितना हो गया ये आपके पास 2xd, तो ये 2xd हो गया आपके पास। ठीक है जी, और यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया xd बाय डी, तो ये पाथ डिफरेंस आया आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? पाथ डिफरेंस आपको पता चल गया कितना है, ये xd बाय डी आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन देखते हैं, तो देखो ज़रा, फॉर मैक्सिमा, देखो मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए हम पाथ डिफरेंस देखेंगे। इसमें पहले देखो, हमने कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया था, उसमें देखना आप पाथ डिफरेंस निकाल लेते हमने। ठीक है, मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखना आप, ये वाला टॉपिक है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वहाँ पर हमने कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस निकाल दी थी ये चीज़। ठीक है, तो देखो मैक्सिमा के लिए ये निकला था पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, और मिनिमम के लिए क्या निकला था हमारे पास, एक्स इक्वल टू में लैम्डा बाय 2 2n-1, तो ये वैल्यूज़ को लेना है हमें वहाँ पर। क्लियर है, तो चलो देखते हैं वहीं पर ही। देखो अभी हमने देखा मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो वो कितना है हमारे पास, एन लैम्डा था वहाँ पर निकाला था हमने। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जो था हमारे पास वो इक्वल टू था एन लैम्डा के, और यहाँ पर एन की वैल्यू होती थी आपके पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देखो ज़रा, अब यहाँ पर क्या होगा, पाथ डिफरेंस की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू में एन लैम्डा। कितनी बात समझ में आ रही है, यहाँ से एक्स की वैल्यू देखो ज़रा क्या आ जाएगी, अब यह आ जाएगी एन लैम्डा और ये डी इधर चला जाएगा और अपॉन में ये डी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर हम एन जीरो पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो फॉर एन इक्वल टू ज़ीरो, तो देखो यहाँ पर ये जो x निकला है इसको भी मैं n से लिख देता हूँ, एक्स एन। ठीक है, x ज़ीरो कितना आएगा, देखो ये ज़ीरो इंटू दिस टर्म कितना बनेगा, ज़ीरो, पार्ट डिफरेंस ज़ीरो, समझ रहे हो, पार्ट डिफरेंस ज़ीरो। और ये यानी कि कहाँ पर बनता था, ये मैंने आपको बताया भी था अभी, किस पर बनता था, सी पॉइंट पर बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एट सी, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम या फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्या बोलते हैं हम इसको, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर, जैसे अगर आपको याद हो यंग डबल स्लिट में इस तरीके से होता था हमारे पास। ठीक है, ये स्क्रीन थी और यहाँ पर इसके सेंटर में ये ब्राइट बनती थी, ठीक है, फिर आपके पास डार्क होती थी, फिर ब्राइट होती थी, इस तरीके से ये डार्क होती थी और फिर ये ब्राइट होती थी, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ। तो ये सेंट्रल वाली जो होती थी ना आपके पास, ठीक है, इसमें पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि एन इक्वल टू 1, 2, 3 तो अब चलेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये जीरो वाली तो बिल्कुल सामने वाली होती है। क्लियर, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई, क्लियर, जब हमने एन इक्वल टू जीरो पुट किया। सिमिलरली जब हम एन को 1 पुट करेंगे तो अगली ब्राइट फ्रिंज कितने पार्ट डिफरेंस पे होगी, ये हम निकाल देंगे। देखो यहाँ एक्स 1 आ जाएगा और ये 1 यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, क्या बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, आफ्टर सेंटर। ठीक है, सेंटर में थी एक ब्राइट फ्रिंज और उसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आई है। ठीक है, ऐसे ही n इक्वल टू 2 x इक्वल टू x 2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 लैम्डा डी बाई डी। ऐसे ही n इक्वल टू 3 पे कितना हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाई डी और सो ऑन करते हुए, और हम n के लिए क्या बोल सकते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू फॉर द n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम n इक्वल टू, अगर n है तो यहाँ एक्स एन आ जाएगा और ये तो था ही आपके पास n लैम्डा डी बाई डी, n को n ही पुट किया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ये हमारे पास सारे फ्रिंजेस के लिए बात आ गई। ठीक है, और ये वाली कौन सी थी हमारी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज थी, और ये वाली कौन सी थी हमारे पास, थर्ड ब्राइट फ्रिंज थी, और इसको हम क्या बोल देंगे, nth ब्राइट फ्रिंज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है? ठीक है, कोई सी भी ब्राइट फ्रिंज देखनी है हमें तो यहाँ से हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको लिख दिया था, यहाँ पर n लगा दिया था। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए करेंगे। ठीक है, मिनिमम के लिए भी मैंने आपको पार्ट डिफरेंस बता दिया था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या आया था। ठीक है, तो वो यहाँ पर लेकर चलेंगे, तो ये यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फॉर मिनिमम या फॉर मिनिमा की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस था हमारे पास कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में,
वो आया था हमारे पास 2n-1 बाई 2, ठीक है, मतलब ये लैम्डा बाई 2 होता था, ठीक है, और यहाँ पर n कितना रहता था आपके पास, 0 ही आता था, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते थे, क्लियर है। अब यहाँ पर भी पार्ट डिफरेंस रख दो जरा, जो हमारा आया था वो कितना आया था, xd बाई डी, तो यहाँ रख दो xd बाई डी इज इक्वल टू में 2n-1/2, और ये आपके पास यहाँ था लैम्डा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यहाँ से x की वैल्यू देखो जरा कितनी आ जाएगी, 2n-1 लैम्डा बाई 2, और ये वाला d इधर चला जाएगा और ये स्मॉल d नीचे आ जाएगा, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ पर भी इसको हम अगर n लगा दें यहाँ पर, तो देखो 4n इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं, तो एक्स 1 कितना आ जाएगा, देखो 2 में 2n है ना, तो यहाँ 2 × 1 2 2-1 1, तो ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा 2 d बाई डी, ठीक है। ये कौन सी आई है हमारे पास मिनिमा के लिए, तो मिनिमम के लिए कौन सी होती है, डार्क फ्रिंज होती है, तो इसको हम लिख देंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज, क्लियर। और ऐसे ही n इक्वल टू 2 के लिए कर लेंगे, तो x 2 कितना आ जाएगा, देखो 2 यहाँ पुट करो, 2 × 4 4-1 3, तो 3λ/2 d/d, दैट इज़ द सेकेंड डार्क फ्रिंज। ऐसे ही फॉर n इक्वल टू 3 के लिए कर लो, x 3 इज इक्वल टू में 3 × 6 6-1 इज़ 5, तो ये आ जाएगा 5λ/2 d/d, ये आ गई आपके पास थर्ड डार्क फ्रिंज। और ऐसे ही आप n इक्वल टू n के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको xn, और ये आ जाएगा सेम फॉर्मूला 2n-1λ/2 d/d, यहाँ लिख दो आप क्या लिख दोगे, nth डार्क फ्रिंज के लिए ये कर रहे हैं हम, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मेन कहानी पे आते हैं, फ्रिंज विड्थ। अब देखो फ्रिंज विड्थ क्या है, देखो एक चीज़ पर ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर गैप देकर बना रखा था ये, ठीक है, अभी वैसे ही समझाने की बात थी, ठीक है। जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो एक्चुअल में था क्या ऐसे, ये देखो यहाँ पर बना के दिखाता हूँ मैं, ये जो फ्रिंज विड्थ थी ये कैसे थी, देखो ये जैसे सेंटर पे थी, ब्राइट आई, ठीक है, फिर उससे थोड़ी ऊपर ये ब्राइट आई, फिर उससे थोड़ी ऊपर क्या आई, ये ब्राइट आई, ठीक है, फिर इसके नीचे ये ब्राइट आ गई, फिर ये ब्राइट आ गई, ठीक है। तो जो डार्क को ऑब्जर्व किया गया वो क्या किया गया, कि ये जो दो ब्राइट फ्रिंज होती हैं इनके बीच में क्या है आपके पास, डार्क होता है, समझ रहे हो, फिर ब्राइट आई, फिर ये ब्राइट आई, इसके बीच वाला क्या है, ये पार्ट डार्क है, यहाँ पर भी ये क्या है, डार्क है। तो एक तरह से आप फ्रिंज विड्थ को कैसे आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, फ्रिंज विड्थ को, तो हम ये लिख सकते हैं ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। देखो तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज देख रहे हो, ये इसके बीच में और इसके बीच में है ना, डिस्टेंस इसका और इसका क्या बता रहा है आपको, डार्क की विड्थ बता रहा है। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो, जैसे डार्क है, दो कंसेक्यूटिव डार्क, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस किसकी विड्थ है, ब्राइट की, तो मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट या फिर डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड क्या होता है, वो आपकी फ्रिंज विड्थ होती है। मतलब दो ब्राइट का डिस्टेंस जो जितना होगा, जितनी ये दूरी पे होंगे उतना क्या होगा, डार्क की विड्थ होगी, क्योंकि डार्क उसके बीच में ही होगा, या फिर डार्क वालों को ले लो, डार्क का जितना डिस्टेंस है एक दूसरे से, उसके बीच का जो पार्ट होगा वो क्या है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज है, तो ये उसकी विड्थ निकल जाएगी। कितनी बात समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो या तो डार्क डार्क के बीच का डिस्टेंस ले लो, या ब्राइट ब्राइट का ले लो, ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ होगी। और वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ पहले ही, कि जो विड्थ होती है डार्क की और ब्राइट की वो सेम होती है, इक्वल होती है, ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं ब्राइट से ब्राइट का डिस्टेंस ले लो तो विड्थ निकल जाएगी डार्क की, और डार्क से डार्क का ले लो डिस्टेंस तो विड्थ निकल जाएगी ब्राइट की, है ये सेम ही चीज़। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, देखिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव होती है साथ साथ, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट ब्राइट के बीच का या फिर डार्क डार्क के बीच का डिस्टेंस क्या बताता है आपको, फ्रिंज की विड्थ बताता है। ये यहाँ पर लिख दिया, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम ब्राइट फ्रिंज के लिए बात कर लेते हैं, इसकी विड्थ देख लेते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज वाला केस कौन सा है आपके पास, इसको हम कंस्ट्रक्टिव भी केस बोलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव भी, और साथ में हम इसको मैक्सिमा का केस भी बोलते हैं, ठीक है, और मैक्सिमा, क्लियर। अब देखो जैसे मैंने आपको यह चीज़ बताई थी, ठीक है, अगर हम ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए दो डार्क का डिस्टेंस जो होगा, है ना, दो डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो विड्थ किसकी बताएगी, ब्राइट की बताएगी, क्लियर है ये चीज़, समझ रहे हो। देखो यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको, ये ब्राइट, ये वाला ब्राइट, ये वाला ब्राइट और ये वाला ब्राइट, ठीक है, ये बीच के क्या हैं, डार्क है पार्ट, ये वाला भी डार्क आ जाएगा, ये वाला भी डार्क आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालने की, तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ ये है,
इसको कैसे निकाल दूंगा, दो डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होगा हमारे पास, ब्राइट की फ्रिंज होगी, क्लियर। और ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, जैसे हमने पी पॉइंट कंसीडर किया था वो सेंटर से कितनी दूरी पे था, एक्स दूरी पे था, ठीक है, ऐसे ही हमने ये सब की दूरी निकाल रखी है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, सेंटर से कितनी दूरी पे है, क्लियर है, समझते हो ये चीज़, ठीक है। तो हमें ये तो दूरी पता ही है, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये डार्क वाला है आपके पास, ठीक है, ये वाला जैसे मान लो ये एक्स वन है, ये वाला एक्स टू है, ये वाला एक्स थ्री है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा ना, एक्स टू डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, और ऐसे ही ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस है ना, एक एक्स टू का है, एक्स वन का है, तो एक्स टू में से एक्स वन माइनस करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है बीच का निकल जाएगा ना, जैसे मान लो एक्स टू फाइव है, ये वाला थ्री है डिस्टेंस, ठीक है, तो फाइव में से थ्री माइनस करूँगा तो ये बीच का पता चल जाएगा ना मुझे, ये टू का डिस्टेंस है, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ आपको कि अगले वाले में से पिछले को माइनस करेंगे तो बीच का आपके पास नंबर आ जाएगा, वो क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या होगी आपके पास, फ्रिंज विड्थ होगी, ठीक है, और इसके बीच में ब्राइट है तो ब्राइट की फ्रिंज विड्थ होगी, समझ रहे हो बात को। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो जैसे टू माइनस वन कर सकता हूँ या फिर थ्री माइनस टू कर सकता हूँ, है ना, इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो जनरल फॉर्म क्या होगी इसमें, देखो जैसे मैंने आपको बताया अभी एक्स टू माइनस एक्स वन है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स एन माइनस में एक्स ऑफ एन माइनस वन, अगर एन टू है तो एक पिछली आ जाएगी टू माइनस वन वन, तो जनरल ये हो गई। अगर मैं थ्री के लिए करूँगा तो देखो ये थ्री लिखूंगा और थ्री माइनस वन टू, तो पर्टिकुलर एक के बाद एक माइनस हो सकती है इसमें, ठीक है, अगर थ्री माइनस टू करता तब भी यही फॉर्मूला लगेगा और टू माइनस वन करूँगा तब भी यही जनरल फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि थ्री में से टू माइनस करो तब भी यही आएगी ब्राइट फ्रिंज, टू में से वन माइनस करो तब भी ये ब्राइट फ्रिंज की ही विड्थ आएगी, क्लियर। तो देखो अब अगर हम यहाँ पर एन इक्वल टू टू के लिए बात करें, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम बीटा इज इक्वल टू में एक्स टू माइनस में एक्स ऑफ टू माइनस वन, पुट यहाँ लिख देता हूँ एन इक्वल टू टू, तो ये आ गया एक्स टू माइनस में एक्स वन, समझ रहे हो, ब्राइट फ्रिंज निकाल रहे हैं हम, विड्थ किसकी निकाल रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज की, लेकिन ब्राइट फ्रिंज की अगर विड्थ निकालनी है तो उसके लिए हमें लेने कौन से होंगे, डार्क फ्रिंज लेने होंगे, ठीक है, डार्क फ्रिंज की दूरी लेनी पड़ेगी, तो डार्क फ्रिंज वाली देख लो एक्स टू कहाँ है, ये थी हमारे पास, ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, थ्री लैम्डा टू डी बाय डी माइनस में एक्स वन देख लो कितना है हमारे पास, लैम्डा टू डी बाय डी, इस तरीके से, कितनी बात क्लियर है या नहीं है, तो यहाँ से देख लो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ये पूरी सेम वैल्यू है, ये भी पूरी सेम वैल्यू है, यहाँ थ्री है, यहाँ आप वन मान सकते हो, तो थ्री में से वन माइनस करो कितना बना, टू टू, और ये लैम्डा टू और ये डी बाई डी, इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये इसमें से कट हो गया और ये आ गया आपके पास लैम्डा डी बाई डी, ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, देखो ये थ्री था, ये पूरी टर्म एक्स मान लो पूरी, ठीक है, और ये वाली भी एक्स ही हो गई, यानी कि तो थ्री एक्स माइनस एक्स कितना होता है टू एक्स, और एक्स को लैम्डा टू बाई लैम्डा बाई टू और डी बाई डी ये माना था हमने, समझ रहे हो, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप क्या करते फिर एलसीएम वगैरह लेके करते, ये डायरेक्ट है इसका, क्लियर। तो ये आ गई हमारे पास किसके लिए फ्रिंज विड्थ, किसकी आई है ये हमारे पास, ब्राइट वाले की आई है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आई कहानी। इसी तरीके से हम क्या कर देंगे डार्क के लिए निकाल लेंगे, देखो डार्क फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज, ये कौन सा केस होता है आपके पास, डिस्ट्रक्टिव का, ठीक है, और इसको मैं यहाँ बॉक्स में कर लिया, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव का भी केस होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमा भी बोलते हैं, क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ पर डार्क से डार्क का डिस्टेंस किसकी फ्रिंज विड्थ बता रहा था, ब्राइट की, तो यहाँ पर ब्राइट से ब्राइट की डिस्टेंस क्या बताएगा, डार्क की फ्रिंज विड्थ बताएगा ना, समझ रहे हो ना ये चीज़ें, ठीक है। तो देखो फॉर डार्क फ्रिंज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फॉर्मूला यही रहने वाला है इसका भी, एक्स क्योंकि अगले में से एक पिछला ही माइनस होगा, क्लियर, तो यहाँ पर भी हम पुट करेंगे एन इक्वल टू टू, तो एक्स टू माइनस में टू माइनस वन वन आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें कौन से करने हैं, ब्राइट टू ब्राइट के माइनस करने हैं, ठीक है, तो ब्राइट वाले यहाँ पर देख लो आपके पास, ब्राइट वाला ये था केस, ठीक है, ये वाले एक्स वन कितना है हमारे पास इसमें, और एक्स टू पहले देख लो कितना है, एक्स टू है टू लैम्डा डी बाई डी माइनस में एक्स वन कितना है लैम्डा डी बाई डी, तो देख लो ये वाली एक पूरी टर्म सेम है, ये भी पूरी टर्म सेम है, तो टू यहाँ यहाँ वन मान लो, तो टू माइनस वन वन वन, और ये साथ में आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी, तो वन तो लिखते नहीं हम, ये अंडरस्टूड ही होता है, तो इस तरीके से हम इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बीटा मतलब ये फ्रिंज विड्थ आ गई लैम्डा डी बाई डी, ये भी देख लो सेम ही आई है जो कि हमारे पास इसकी आई थी ब्राइट की आई थी, वही हमारे पास डार्क की आ गई, ठीक है। तो डार्क की फ्रिंज विड्थ कैसे निकली है, दो ब्राइट को माइनस किया हमने, ठीक है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन, और ब्राइट की कैसे आई थी, दो डार्क को माइनस किया था, क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है ये चीज़ें या नहीं बताओ, मेन कहानी है ये, ठीक है। और देखो यहाँ से आपको पता चल भी रहा है ब्राइट और डार्क की जो विड्थ है वो कैसी है, सेम ही तो आ रही है, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो जितनी विड्थ ये है उतनी ही विड्थ ब्राइट की भी है, क्लियर कर लोगे ये टॉपिक, ठीक है। तो ईजी है लेकिन बड़ा ध्यान से नोट करना, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर लेना इसको करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब इसका एक ग्राफ रहता है, ठीक है, वो ग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ आपको, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।